हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रेमेडी लेके आई हूँ आपके लिए। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है, मुरझा गई है और स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। मानसून की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, स्किन अनइवन स्किन टोन हो गया है, स्कार्स बढ़ रहे हैं, पिंपल्स बढ़ रहे हैं, पिंपल्स के मार्क्स रह जाते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, मोल्स हो गए हैं चेहरे पे। तो उन सभी का सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको डालना है इस पैक में व्हीट फ्लार, यानी कि आटा जो कि सभी के घर में होता है। एक चम्मच आटा मैंने लिया है यहाँ पे, आप चाहे तो ओट्स का आटा भी ले सकते हैं, मैंने व्हीट फ्लार लिया है। तो उसके बाद आपको डालना है शहद, हनी, तो हनी भी आपको एक चम्मच डालना है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हनी जो है ना आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। अगर आप सर्च करेंगे कि सॉफ्ट सबसे ज़्यादा कौन सा इंग्रेडिएंट बनाता है जो कि घर पे हो, तो वो हनी है, शहद बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। थर्ड आपको डालना है इसके अंदर पोटैटो जूस। तो ये पोटैटो जूस आपको मिल जाता है, बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं इसे। आलू का रस निकालना होता है, आलू को कद्दूकस कीजिए और उसका रस निकालिए, उसे निचोड़ दीजिए अच्छे से, तो रस निकल आता है कद्दूकस करने के बाद। तो एक चम्मच आलू का रस डालना है और इसके बाद आपको डालना है बादाम का पाउडर, आमंड पाउडर। तो ये आपको मार्केट में भी मिल जाता है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मार्केट वाले का लिंक, लेकिन आप घर पे बना सकते हैं, बादाम तो होते ही हैं हर घर में। तो इसे ग्राइंड कीजिए और ये पाउडर आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको डालना है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आप प्लांट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये मार्केट वाले लिया है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। एक चम्मच एलोवेरा जेल इसके अंदर आपको डालना है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ गई है। तो इसे आप अपने चेहरे पे, आर्म्स पे, अपनी लेग्स पे, नीज पे लगा सकते हैं, जहाँ भी डार्कनेस है, जहाँ भी टैनिंग हो चुकी है, मोल्स हैं, वहाँ आप लगा सकते हैं। बच्चे भी लगा सकते हैं इसे, बहुत ही सेफ है, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे लगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ जो इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके अंदर व्हीट फ्लावर डाला है आटा, जो कि स्किन पे ग्लो लेके आता है, रिजुविनेट करता है स्किन को, टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है स्किन से, टैनिंग को रिड्यूस करता है, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। शहद डाला है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक्ने से फाइट करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, ब्लैकहेड्स को ख़त्म करता है और पोर्स को बहुत ज़्यादा क्लीन कर देता है, हाइड्रेट कर देता है स्किन को। आमंड पाउडर डाला है जो कि स्किन को नरिश करता है, सॉफ्ट बनाता है, ग्लो देता है। पोटैटो जूस डाला है जो कि स्किन से टैनिंग को हटा देता है, स्किन अगर डार्क हो चुकी है तो वो भी ठीक कर देगा, ब्लिमिशेस को, छाइयाँ पड़ जाती हैं, बहुत छोटे छोटे से जो फ्रिकल्स होते हैं वो पड़ जाते हैं तो उन्हें हटा देता है, स्कार्स को हटा देता है, हार्ड स्किन को हटाता है। और एलोवेरा आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है एलोवेरा भी, तो सनबर्न से भी आपको जो है बहुत ज़्यादा ये राहत देता है। तो अभी आप देखिए मैंने आम पे भी लगाया है और जब ये सूख जाए 15-20 मिनट के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से मसाज करनी है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, मसाज करते हुए उतारना है आपको, सीधा पानी से धोना नहीं है। तो मसाज कीजिए अच्छे से 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद धो दीजिए। नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद ग्लो आप क्लियरली मेरे फेस पे देख सकते हैं। तो ये पैक कोई भी लगा सकता है, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, कोई भी सेंसिटिव स्किन वाला भी लगा सकता है इसे। तो अभी आप देखेंगे कि मेरे बाजू पे जो ये फ़र्क नज़र आएगा आपको, जिस पे मैंने लगाया था उस पे टैनिंग रिमूव हो चुकी है, आप क्लियरली देख सकते हैं वीडियो में। तो गाइज़, आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, वीडियो रिक्वेस्ट, तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।